हेलो, नमस्ते। वादा निभा रही है आपसे। मैंने कहा था ना, इस बार आपको ठंडी जगह पर ले चलेंगे, इसलिए राजस्थान के 7 एपिसोड पोस्ट किए बिना हम चलते हैं कसौल, हिमाचल प्रदेश के एक सुंदर शहर में। चलिए हमारे साथ इन खूबसूरत रास्तों पर। देख रहे हैं कैसी मंत्र मुक्त कर देने वाली सड़कें हैं, क्या सुंदर कि आप बढ़ते चले जाइए और मन करे यूं ही चला चल राही, यूं ही चला चल राही, कितनी हसीन है ये दुनिया। थैंक यू श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी आपके विजन के लिए, मोदी जी भारत माला प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए, और नितिन गडकरी जी उन सारे देखे हुए सपनों को पूरा करने के लिए। क्या रास्ते को छोटा कर दिया गया है, कितनी टनल्स बन गई हैं, और वो इस तरह से बनाई गई हैं कि उसमें वातावरण को भी नियंत्रित किया जा सके। ऊपर बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं, पूरी टनल्स में लाइट्स ही लाइट्स हैं। टनल्स दर टनल्स क्रॉस करते हुए चले जा रहे थे हम कसौल। शाम का धुंधलका घिर रहा था, सूरज अस्त हो रहा था, पहाड़ियों पे लालिमा थी, कहीं कहीं पहाड़ों पर बर्फ थी, और फिर हम फंसे भुंतर और कसौल रोड पर लगभग 50 मिनट। सड़क बन रही है, काम चल रहा है उस पर। आपको शायद नहीं पता होगा कि कसौल को मिनी इजराइल भी कहते हैं। कहते हैं इजराइल से बहुत टूरिस्ट यहाँ आता है, यहाँ इजरायली फूड भी मिलता है, और यहाँ के कैफे भी इजरायली लोगों को बहुत पसंद आते हैं। नाइट लाइफ भी कसौल की बढ़िया है, जो पार्टी गोअर्स हैं उनके लिए भी मजेदार जगह है ये। रात को हम पहुंचे गेजलिगिन, सुंदर जगह, नया बना हुआ होटल, बिल्कुल सड़क के किनारे, लोग बहुत अच्छे। अगले दिन सुबह खूबसूरत पहाड़ियों और मंत्रमुग्ध नजारों के बीच बसे कसौल ने मन मोह लिया। आप कहेंगे हर बारी कह देती है, क्या करूं, मुझे पहाड़ ही बहुत पसंद है। हमने प्रोग्राम बनाया पार्वती वैली और पार्वती रिवर के इर्द गिर्द बसे मणिकरण जाने का। मणि का मतलब है झुमका, मणि जो शेषनाग की होती है, और करण कान। इन दो शब्दों के मेल से बना है मणिकरण, जो कसौल से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत सारे मंदिर और मणिकरण साहिब गुरुद्वारा है। यहाँ हर तरफ गर्म पानी के चश्मे और कुंड है, जिनमें हर समय उबलता हुआ पानी निकलता है। एक जर्मन वैज्ञानिक के अनुसार मणिकरण के गर्म पानी में रेडियम है। सल्फर या गंधक हो तो पानी गर्म हो सकता है, उबल नहीं सकता। एक इम्पोर्टेंट बात और बता रही हूँ आपको कि जब आप मणिकरण जा रहे हो तो पेड पार्किंग के बाद जो लेफ्ट साइड पे पुल आता है उसको क्रॉस करके मणिकरण जाइएगा, ताकि आपको सारे मंदिरों के दर्शन भी हो सकें और आप मणिकरण गुरुद्वारा साहब जी भी जा सकें। पार्वती नदी के ऊपर बने पुल पर खड़े रहना ही बहुत सुकून दे रहा था। वहां दूर आप देख पा रहे हैं शिव मंदिर और श्री मणिकरण साहिब गुरुद्वारा, और आप देखिए ये पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ शिव मंदिर खत्म हो रहा है और कहाँ से गुरुद्वारा शुरू हो रहा है। बर्फीले पहाड़ों का बर्फ जैसा पानी पार्वती नदी में बहता है, और जो पानी मणिकरण की धरती को छूता है तो वो गर्म होकर उबलने लगता है, और इस गर्म पानी से नहाने पर बहुत सी बीमारियां दूर होती हैं। इसलिए सभी मंदिरों में और गुरुद्वारे में कुंड बनाए गए हैं, जिनमें स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग नहाने की व्यवस्था है। सबसे पहले हम पहुंचे प्राचीन राम मंदिर। 17 सेंचुरी में राजा जगत सिंह द्वारा बनाए हुए इस प्राचीन मंदिर में राम कुंड और सीता कुंड भी हैं, और ये शिव मंदिर के ऊपर बना हुआ है। ये मंदिर पिरामिड स्टाइल में बनाया हुआ है, और 1905 के अर्थक्वेक में ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया था। 1981 से इस मंदिर की देखभाल एक ट्रस्ट द्वारा की जा रही है। यहाँ पर 3 हॉल्स और
40 कमरे हैं डिवोटीज के लिए। वो यहाँ आकर रह सकते हैं, बिस्तर और खाने की व्यवस्था भी है, और ये खाना भी उसी गर्म पानी में पकाया जाता है। यहाँ पंचमुखी हनुमान जी भी हैं और शिव मंदिर भी है। पहले कभी यहाँ 9 शिव मंदिर हुआ करते थे, और ऐसा सुनने में भी आया कि भगवान शिव ने अर्जुन को पशुपति अस्त्र यहीं दिया। रामचंद्र और लक्ष्मण ने वशिष्ठ मुनि आश्रम में शिक्षा दीक्षा लेने के बाद यहीं पर भगवान शिव की आराधना की। यहाँ नैना देवी भगवती मंदिर, कृष्ण मंदिर, हनुमान मंदिर और ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं। मणिकर्ण की बहुत सारी कहानियां प्रसिद्ध हैं, लेकिन अगर मैं आपको उसे इलेबोरेट करके बताऊंगी तो वो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको छोटे छोटे संक्षेप में बता रही हूँ। मणिकर्ण, मणि का मतलब मणि, करण कान। तो एक बार शिव पार्वती जी जब आए यहाँ पर, तो पार्वती माँ की बाली गिर गई पानी में और पहुंच गई शेषनाग के पास। अब हम पहुंचे शिव मंदिर, जहाँ पर शेषनाग से पार्वती की मणि पाने के लिए शिव ने तांडव किया था, और शेषनाग ने फुंकार भरी और पार्वती की मणि तो मिली, और साथ ही साथ लगभग 13 किलोमीटर तक दरारें पड़ गई और उन दरारों में से उबलता हुआ पानी निकलने लगा। मणिकरण पवित्र धर्मों की कहानियों से ओतप्रोत सब दे मन नु पौंदा, दर्शन करके हर एक प्राणी खुशियां चोली पौंदा, मनोकामना पूरियां हुंदियां। ये आप देख पा रहे हैं, इस उबलते हुए पानी में लंगर प्रसाद बन रहा है। सतगुरु तीज दे अंदर मणिकरण शिव पार्वती दा पूजन योग है मंदिर, खेद हजारा छुपे हुए ने सचमुच तीज दे अंदर। यहाँ के रहने वाले लोग गुरुद्वारे के साथ जुड़ी गुरु नानक जी की कहानी भी सुनाते हैं, कैसे उन्होंने एक पत्थर हटाया और उसके नीचे से उबलता हुआ पानी निकला, और आज भी लंगर प्रसाद इसी उबलते पानी में बनाया जाता है। गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं के रहने के लिए कमरों की और खाने की व्यवस्था। मणिकरण गुरु नानक आए, मणिकरण गुरु नानक आए, मणिकरण गुरु नानक। आप अपना प्यार हम पर यूं ही बनाए रखिएगा। गर्मी के मौसम में डिटॉक्स वाटर, खीरा, पुदीना और छाछ और ठंडी ठंडी चीजें लेते रहिए और अपना ध्यान रखिए। मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में, आपको लेकर चलेंगे तोश हिप्पी विलेज। तब तक के लिए बाय।